है कोई जवाब के साथ अवैस इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, 14 मई सन 2000 को फाखरा यूनुस के खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर किसी इंसान नुमा दरिंदे या दरिंदे नुमा इंसान ने इंसानी पस्ती की आखिरी हदों को छूते हुए वो तेजाब उंडेल दिया जो इंसानी जल्द के खुलियों को उसी तरह जलाकर राख कर देता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को निगल जाती है। फाखरा बिनते हव्वा की इस हौलनाक वाक्य के बाद ज़िंदगी ही बदल गई। वो चेहरा जिसको देखकर माँ की दुनिया आबाद होती थी इतना खौफनाक हो गया कि उसकी परछाई जब आईने में पड़ती थी तो आईना भी सहम जाता था। फाखरा की जान तो डॉक्टर्स ने उस वक्त बचा ली मगर उसी वक्त उसकी इज्जत नफ्स कत्ल हो गई। 12 साल वो इंसाफ की तलाश में दुआओं के हाथों से अदालतों के दरवाजे खटखटाती रही मगर इंसाफ उसे ना मिला और आखिरकार उसने इटली के दारुलहुकूमत रोम में 6ठी मंजिल पर वाके अपने फ्लैट की खिड़की से ज़िंदगी को देखने की बजाय कूद कर अपनी ज़िंदगी दे दी। फाखरा के चेहरे पर तेजाब क्या उनके साबिक शौहर बिलाल मुस्तफ़ा खर ने फेंका या किसी और दुश्मन ने, और क्या ये वाक़या शर्मीन उबैद को ऑस्कर जीतने के लिए सेविंग फेस जैसी एक और डॉक्यूमेंट्री बनाने की तरगीब देगा, और कब तक पाकिस्तानी ख़वातीन को तेजाब का अजाब झुलसाता रहेगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज के प्रोग्राम में ढूंढेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करा दूँ। हमें सबसे पहले ज्वाइन करेंगी मोहतरमा फरजाना बारी जो इंसानी हकूक़ की मारूफ कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी जस्टिस रिटायर्ड नास्टा जावेद इकबाल जो कि माहिर कानून है, और हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जावेद अहमद गांधी। लेकिन सबसे पहले बिलाल मुस्तफ़ा खर की बात मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने फाखरा यूनुस के चेहरे पर तेजाब फेंका था तो उन्होंने अपने दिफा पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है जो फाखरा के साथ हुआ, लेकिन ये फाखरा के साथ नहीं किया। जो ये तेजाब का मेरे पे इल्जाम है ये मैंने नहीं किया और मैं इस चीज में अदालत से बरी भी हो चुका हूँ। मैं जेल में रहा, मेरा ट्रायल हुआ, ट्रायल में मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी किया। और जहाँ तक फाखरा की खुदकुशी का सवाल है, अगर फाखरा खुदकुशी मेरी वजह से करती तो 12 साल पहले करती। अगर ये बात सच होती कि जो उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए वो 12 साल पहले खुदकुशी करती। अभी आप खुदकुशी का उनसे पूछें कि जिनके पास वो थी, क्यों उसने की, क्यों उस बेचारी की ये हालत हुई कि जी उसको आखिर में खुदकुशी कमेट करनी पड़ी। जी देखें जी, जो लोग उसको लुकाफ्टर कर रहे थे वहाँ पे, और मैं समझता हूँ इटालियन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिकॉज वो वहाँ पे उनके पोलिटिकल असाइलम में थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जी अगर ये मेरा नाम बीच में इस चीज़ के ना हो तो क्या फाखरा को वहाँ पे इटली में पॉलिटिकल असाइलम मिलता? ये सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम को इस्तेमाल किया गया। फाखरा वाकई मेरी बीवी थी, ये मैं चीज़ नहीं डिनाय करता, और फाखरा और मेरी उस वक्त सेपरेशन थी, आई वाज इन लाहौर जिस टाइम पे ये वाक़ हुआ। और एज फार एज ये उसकी खुदकशी कंसर्न, तो ये आप उन लोगों से जाके पूछें जो वहाँ पे उसके साथ थे। मैं तो ये कहता हूँ कि फाखरा उन लोगों के लिए आज भी, उनको ये आज जो इनको तकलीफ हुई है सिर्फ इसी बात पे हुई है कि फाखरा उनके लिए एक सोने की मुर्गी थी जो रोज उनको एक अंडा दे रही, और आज वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, और इनको इसी चीज़ की तकलीफ है कि इनकी रोजी पे लात मारी गई। मैं क्यों नहीं फेस करूंगा इफ आई एम इनोसेंट, मैं क्यों नहीं इसको, एक दफा अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है और मैं ये करूंगा, इसको क्यों नहीं मैं फेस करूंगा? इसलिए कि मेरे खानदान पे मेरे पे ही इल्जाम है और ये गलत इल्जाम है, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज को फेस करूंगा। और मैं इसलिए मीडिया के सामने भी इसलिए आया हूँ कि जी कम अज कम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा मौकफ क्या है, क्या एक्चुअली हुआ क्या है। ये तो आप जानते हैं कि इस किस्म के केसेस जो होते हैं उसमें क्या क्या ये लोग बना के बातें करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इस केस के साथ ये जरूर है कि वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा उसके साथ और कोई, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैंने उसके साथ ये तेजाब उसके मुंह पे फेंका होता, और क्या वो उसके बावजूद भी वो मेरे घर साथ आके जब वो हॉस्पिटल से कराची से रिलीज हुई तो 4 महीने मेरे साथ गुजारती, और वो तहमीना दुरानी के घर में रही है, वहां से उसने मेरे वालिद के साथ सुलह कराई, मेरे वालिद साहब नाराज थे जो मैंने किया था फाखरा के साथ शादी, तहमीना दुरानी साहिबा ने ये मेरे वालिद और मेरी सुलह कराई, और हम लोगों को, मेरा मतलब है कि वापस मेरे वालिद साहब ने कहा कि यहाँ पे नहीं मैं इनको रख सकता, हमारा फार्म है काला कतई का, वहाँ पे फाखरा मेरे साथ रही है, और मैंने उसको अपने हाथ से भेजा है। मेरे वालिद साहब, मेरी क्या कहते हैं छोटी बहन, ये दोनों आए, उनका जी पाकिस्तान में जो फाखरा का इलाज हो सकता था हो गया, अब आप एक मेहरबानी करो इसको फाखरा जाए इटली, और इटली में तहमीना ने ये अरेंज किया है कि जी इसका इलाज हो। तो इसके बाद क्या कहते हैं इलाज हो, और मैंने और फाखरा दोनों ने इस चीज पे एग्री नहीं किया था कि फाखरा जाए।
मुझे ये था कि मैं फाखरा के साथ जाऊँ और फाखरा को ये था कि बिलाल मेरे साथ जाए, लेकिन फिर ये बात उन्होंने कही कि जी बिलाल पे तो इल्जाम है, तुम्हारे पे तेजाब फेंकने का, क्या इटालियन गवर्नमेंट तुम्हारा इलाज करेगी? और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जी मैं फाखरा का इलाज करा सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो इस वजह से वो वहां से फाखरा जो है इटली गई और मेरे घर से गई। सुना आपने बिलाल मुस्तफ़ा खैर का मौक़िफ़। उनका कहना था कि मेरा नाम इस्तेमाल किया फाखरा ने और उनकी साथियों ने ताकि वो इटली जा सके। सबसे हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा फरजाना बारी ने और उनसे सवाल पूछेंगे। मोहतरमा फरजाना बारी साहिबा, आप क्या समझती हैं, एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बयान दिया था कि जिसने कैनेडा जाना होता है वो अपना रेप करवा लेता है, अब बिलाल मुस्तफ़ा खैर का ये कहना है कि फाखरा यूनस ने उनका नाम इस्तेमाल किया था इटली जाने के लिए और तेजाब फेंके जाने के 4 महीने बाद तक वो उनके साथ रही थी, क्या कहेंगी आप? मेरे ख्याल ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पे जो भी जुल्म ज़्यादती होती है, और क्योंकि हमारे जो हुकूमत होती है वो बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी से मुबरा हो जाती है और लोगों को ख़ास तौर पे इस केस में, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव इलाज है, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर ये उनको बाहर जाने के लिए अगर ये जो वो बात करें, मुझे इनकी बैकग्राउंड नहीं पता है कि वो क्यों गई। बहरहाल फाखरा ने शुरू में तो वो कहती नहीं कि ये लाल खर ने ही उनके ऊपर तेजाब फेंका था। बहरहाल ये हमारा काम नहीं है कि इस बात का फैसला करें क्योंकि कि वो ये मुजरिम है या नहीं है, और ये कहते हैं कि अदालतों ने बरी कर दिया। रोना तो इसी बात का है कि हमेशा आए दिन औरतें कत्ल होती हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंके जाते हैं, और जो फेंकने वाले होते हैं वो जिन औरतों पर जुल्म होता है उनके मुकाबले में बासर होते हैं, बारसूख होते हैं, माली हवाले से भी, समाजी हवाले से भी, और इन अदालतों और इन पुलिस के अदारों में जहाँ पे करप्शन है, पॉलिटिसाइजेशन है, औरतों को इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ से ये इसी तरह बाइज्जत बरी हो जाते हैं और फिर ये उसको यूज़ करते हैं कि जी हमें तो अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दी। जी बिल्कुल, वो अदालतों ने उनके बाइज्जत बरी कर दी। मोहतरमा फरजाना बारी साहिबा यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगी। मोहतरमा नास्टा जावेद इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आप क्या कहेंगी मुख्तारा माई को, जिनको अफराद ने रेप किया था, उन अफराद को भी पाकिस्तान की अदालतों ने छोड़ दिया। बिलाल मुस्तफ़ा खैर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने फाखरा यूनस पर तेजाब फेंका है, उन्हें 31 दिसंबर 2002 को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें 2003 में 2 लाख के जमानती मचलकों पर रिहा किया गया और 2006 में उन्हें पाकिस्तान के अदालती निजाम ने बेकसूर साबित कर दिया। आप सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस को अगर देखें, आप माहिर कानून रही हैं, तो इस पर क्या राय देंगी आप? देखिए बात यह है कि अदालत ने अब उनको बरी कर दिया है, चाहे 2006 में किया हो, 6 सालों के बाद जब चली गई यहाँ से फाखरा इटली, तो पीछे रह गए उसके भाई जिसके ऊपर निशानात थे एसिड के, क्योंकि वो उस वक्त उनके साथ था, और एफआईआर में नामजद हैं जो शख्स, और जिसके बारे में 3-4 विटनेसेस ने अपना 161 के बयान में पुलिस के सामने कहा कि हम चश्मदीद गवाह हैं। फाखरा के जाने के बाद जिस शख्स ने भी ये किया उसने कहा कि जी फाखरा के साथ तो जो मैंने किया सो किया, अगर तुम्हें इस पे इत्मीनान नहीं तो तुम जान लो कि अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ गवाही दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बात यह है कि तशद्दुद की धमकी से, रकम देने से, और इस पिदरसरी निज़ाम में जो जिसको इकबाल ने कहा है एक कुश्ता सुल्तानी व मुल्लाई व पीरी, जब तक ये सुल्तानी और मुल्लाई और पीरी का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा हमारी औरतों के साथ यही सलूक होता है। जस्टिस साहब, आप क्या समझती हैं कि आप एक जज रही हैं, आप एक वकील रही हैं, जब आपके सामने अदालत में कोई इस तरह का मुकदमा सामने आता है, आपके सामने जो वाकियाती शहादतें भी मौजूद हों और बाद में जब गवाह मुनहरिफ हो जाएं, तो फिर तो जज भी बेबस हो जाता है कि उसे अपने हाथों से कलम से दस्तखत करके मुल्ज़िम को छोड़ना पड़ता है? देखिए ये दो सूरतें हैं कि इनहराफ की वजह क्या थी। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन जो इस वक्त हमारी जुडिशल एकेडमीज़ में पढ़ाई जाती है और जिसमें मैं भी हिस्सा लेती हूँ, उसमें यह है कि आपने वजह दरियाफ्त करनी है कि इनहराफ की वजह क्या है। तय तक पहुँचना हमारी अदालत का काम है, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारा एडवर्सरी सिस्टम है जस्टिस का, इंक्विजिटोरियल नहीं। इंक्विजिटोरियल सिस्टम जो है वो इस्लामिक लॉ में भी है और यूरोपियन लॉ में भी है, हम ब्रिटिश कॉमन लॉ फॉलो करते हैं। जज बैठ के वहाँ देखता है कि इस साइड ने क्या बहस
की, दूसरे फरीक ने क्या बहस की, और दोनों में से किसकी बहस ज़्यादा ताकतवर निकली, किसके मुशाहदात बेहतर निकले, और उसके तरफ वो फैसला हो जाता है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ठीक है नासिर जावेद साहब, हम आपसे मजीद की राय लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जावेद अहमद गामदी ने। जावेद अहमद गामदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करने का। आपने फाखरा यूनुस का सारा मामला सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। जब पहली दफ़ा आपने ये खबर सुनी तो आपके दिल पर क्या गुजरी सर? अभी जो किसी भी हसास इंसान के दिल पर गुजर सकती है, आदमी का कलेजा फट जाता है। जिस तरह की सूरत हाल उस खातून को पेश आई, किसी दुआ कर सकता है कि दुनिया में कभी किसी को पेश ना आए। मेरा तो एहसास ये है कि वो बादशाह बड़ा बदतरीन बादशाह है, उसके लोग आखिरी दर्जे में शर्मनाक सूरत हाल से दो चार हैं, जिसमें इस तरह ख्वातीन के साथ जुल्म का और सितम का इर्तकाब किया जाए। बेहद अफसोस हुआ, हद दर्जे अफसोस हुआ। अच्छा गांधी साहब, शरीयत की इसमें सजा क्या है? मेरे नजदीक तो किसास के कानून को इस पर लागू होना चाहिए, यानी उस आदमी को भी पकड़ कर कटहरे में खड़ा किया जाए, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो इस खातून से कहा जाए कि तुम इसके चेहरे को भी इसी तरह मस्त कर दो। एक आध आदमी के साथ ये मामला हो जाएगा, उसके बाद कोई जरूरत नहीं करेगा। अच्छा गांधी साहब, 31 दिसंबर 2011 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ मंजूर किया जिसके तहत जिस भी खातून के चेहरे पर एसिड फेंका जाएगा उसे 14 उसके मुलजिम को 14 साल की कैद होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। क्यों पाकिस्तान की जो क्लर्जी है, पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा इस्लामी तबका है, उसने कसास के कानून की वकालत नहीं की? वजह यह है कि हमारी फिका जिस तरीके से मुरतब हो चुकी हुई है, उसमें एक तरह का जमूद है, और उस जमूद को अगर कोई शख्स तोड़ने की कोशिश करता है उसके लिए जीना हराम कर दिया जाता है। जब तक ये जमूद नहीं टूटेगा, कुरान और सुन्नत के कानून पर उसकी असल सूरत में अमल नहीं किया जाएगा, उस तब तक ये सूरत हाल रहेगी। और ये बदकिस्मती से और बहुत से मामलों में भी है, ये कोई इसी एक कानून के बारे में नहीं। ठीक है गांधी साहब, हम आपसे गुफ्तगू मजीद भी करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे फाखरा यूनुस के मामले पर। मोहतरम जावेद अहमद गामदी का ये कहना है कि ऐसे जुर्म की सज़ा के किसी खातून के चेहरे पर तेजाब फेंका जाए तो इस्लामी शरीयत की रूह से उनके ख्याल में कसास होनी चाहिए। जिस तरह आंख के बदले आंख होती है, हाथ के बदले हाथ होता है, जान के बदले जान होती है, तो इसके मुजरिम के चेहरे पर भी तेजाब फेंकना जाना चाहिए। लेकिन जब हमने उनसे दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान में ऐसा कानून क्यों नहीं है, तो उनका यह कहना था कि इसकी वजह पाकिस्तान में जो फिका है उसकी कमज़ोरी है, पाकिस्तान में जो कानून है उसकी कमजोरी है। इसी बात का जवाब लेंगे हम जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल से। नासा साहब, आप क्या समझती हैं कि गांधी साहब का यह कहना कि पाकिस्तान का जो कानून है इस मामले में वो डिफेक्टेड है, क्या एग्री करेंगी आप? जी, मैं इनसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करती हूं कि जब यह किसास और दियत का कानून जियाउल हक ने शामिल कर दिया हमारे पीनल कोड में, तो फिर तो हर चीज पे होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ अब भी ये 335 PPC में हमने और 336 पे हमने किया अमेंडमेंट इस एसिड कंट्रोल पे जो हुआ है लॉ पास, हमने अलहदा कानून नहीं बनाया एसिड थ्रोइंग के ख़िलाफ़। हालांकि आप देखें जहां अलहदा कानून बना है बांग्लादेश में, उसके बहुत मुस्बत नतज हुए, 500 से ज़ायद होते थे सालाना उनके केसेस एसिड थ्रोइंग के, और अब वो 50 से भी कम हो गए। 2002 से उन्होंने कानून पास किया। हमारे लेजिस्लेचर ने कमज़ोर तरीन जो है ना कानून उसको अपनाया है, मगर ये जो है ना कि किसास में उसके ऊपर एसिड फेंका जाए, ये जो हमारा है ना एक आइन में शिक फंडामेंटल राइट्स की कि अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी जो बात हो वो ना किया जाए, वो उसको ओवरराइड किया जाता है। और इसलिए देखिए, वो तो फाखरा की एक आंख ज़ाया हुई, चेहरा उसका मसख हुआ,
जो 38 उसके ऑपरेशन हुए तो 38 ऑपरेशन भी उस शख्स के होने चाहिए, पहले उस पर एसिड फेंका जाए, उसकी आंख जाए। लेकिन यानी जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल साहब, आप इस बात के हक में नहीं हैं कि जो मुजरिम है एसिड थ्रोइंग का उसके चेहरे पर भी तेजाब फेंका जाए, बल्कि आप उस सजा की हिमायत करती हैं, यानी उसको 14 साल कैद और 1 मिलियन रुपए यानी 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। देखिए बांग्लादेश के कानून में उन्होंने सजाए मौत दी है, आप ये बात ना कहिए कि मैं उससे इख्तिलाफ करती हूँ या इससे इत्तेफाक। इस कानून के अंदर अगर ये एसिड थ्रोइंग डाली जाती तो मुझे इस पे इख्तिलाफ ना होता, लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि यहाँ कानून साज यही कहते हैं कि ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, लेकिन जिस शख्स ने ये इकदाम किया उसको तो उस वक्त ख्याल ना आया, इसलिए अगर हो तो इस पे उज़र भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए बांग्लादेश ने सेकुलर रिपब्लिक के तौर पर सजाए मौत रखी, तो हम इसको इस सजाए मौत। अच्छा चलें, इस बात का जवाब हम जावेद अहमद गांधी से भी ले लेते हैं, बिल्कुल कानूनी मसला है। जावेद अहमद गांधी साहब, आप क्या कहेंगे, जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल का ये कहना है कि अगर मुजरिम के चेहरे पर भी जवाब में तेजाब फेंका जाए तो ये बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स की मुखालफत होगी, क्या कहेंगे आप? ये बात यह है कि हम मुसलमान हैं, बुनियादी हकूक को हम भी बड़ी अहमियत देते हैं, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर भी दस्तखत किए हैं, लेकिन ऐसे तमाम माहदे इस शर्त के साथ होते हैं कि खुद हमारे यहाँ उसके लिए क्या कानून मौजूद है। मुसलमान की हैसियत से अल्लाह की शरीयत हमारे पास मौजूद है, हम ये कानून साजी कर सकते हैं। हमने बहुत से दूसरे मामलों में भी कानून बनाए हैं। आप ये बताइए कि जो हदूद आर्डिनेंस यहाँ नाफिज किए गए हैं, क्या उसको ह्यूमन राइट्स के ये तसव्वुरात मानने के लिए तैयार है? तो अगर वहाँ ये कानून साजी हो सकती है, अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि उस खातून के साथ क्या हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये मौत से भी बड़ी सजा है जो किसी के लिए, किसी को मार देना ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जो जिंदगी उसे दी गई बड़ी ही इबरत अंगेज जिंदगी थी, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए कि उसके ऊपर क्या गुजरी है, उसकी नफ्सियात पर क्या गुजरी है। असल में उसके एक एक उज्व को, उसकी रूह को, उसके दिमाग को, उसकी सोच को, हर चीज को। यानी गांधी साहब, जो कानून होता है और खासतौर पर इस्लामी कानून, उसका मकसद ये होता है कि वो एक मुजरिम को ऐसा निशान इबरत बना दें ताकि बाद में किसी को ऐसी जुर्रत ना हो और सोसाइटी में जो खलफशार है, जो इंतशार है, उससे बचा जा सके। जैसे अल्लाह ताला ने चोरी की सजा के ऊपर जो अल्फाज कहे हैं वो देखिए ना, क्या है कुरान में, जजाम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह, ये उसके जुर्म की सजा भी है और ये खुदा की तरफ से उसको दुनिया में निशाने इबरत बना देने का तरीका भी। ठीक है गांधी साहब, यहाँ पर हम बात करेंगे मोहतरमा फरजाना बारी साहिबा से। प्रोफेसर फरजाना बारी, आप इंसानी हकूक पर एक गहरी नज़र रखती हैं, जब आपने फाखरा यूनस का केस सुना, आपने बिलाल मुस्तफ़ा घर पर लगाए गए इल्ज़ाम, आपने वाकियाती शहादतें देखी, आपने सरकमस्टांशियल एविडेंस देखा, आपने देखा कि किस तरह फाखरा यूनस उनके निकाह में रहीं, उनके साथ रहीं, बाद में उनको डोमेस्टिक वायलेंस का भी निशाना बनाया गया, और बाद में बिलाल मुस्तफ़ा घर ने एक बड़ा मज़े का बयान दिया कि अगर उनके चेहरे पर एसिड फेंका गया है तो वो एसिड बिलाल घर ने ही फेंका है, लेकिन वो बिलाल बिलाल खर कोई और बिलाल खर है, वो नहीं है, क्या कहेंगी आप? देखिए इस पर्टिकुलर केस में तो बहुत हमें इसमें बहुत वो लूप होल्स हैं, इसके अंदर बहुत झोल है, और बदकिस्मती यही है कि यही शख्स जो है इसको अदालत से बरी कर दिया गया और वो ये कहता फिर रहा है कि जी मैं तो बाइज्जत बरी हो गया। तो मैं वही बात करती हूँ कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, यहाँ पे किसी गरीब इंसान को, और ख़ास तौर पर अगर आप औरत भी हैं और आप समाजी तौर पर तबकाती तौर पर पसमानदा हैं, तो फिर आपको इंसाफ की कोई तवक्को नहीं आप रख सकते। अब मसला ये है कि जो फाखरा का केस है, देखिए हम ठीक है एक केस के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक औरत की बात हम नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अंदर ये जो एक फिनोमेना है कि आए दिन हम ये देखते हैं, अभी आज भी आपने देखा होगा कि आज भी तेजाब के औरतों एक और फरजाना बारी साहिबा कता कलामी माफ, पिछले 4 सालों में 158 खवातीन पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं तेजाब फेंका गया है, और पिछले 10 सालों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 1500 के तादाद में है। वो तो बिल्कुल, वो जो आप बात करेंगे तो मतलब मैं समझती हूँ कि ये रिपोर्टिंग जो केसेस होते हैं ये तो आटे में नमक के बराबर होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस पूरे फिनोमेना को हमारे समाज के अंदर ये जो एक बहुत ही होलनाक वहशतनाक ट्रेंड है, जिसमें बुनियादी तौर पर ये वो माइंड सेट है, वो जहनीत है, जिसमें मर्द औरत को अपनी ज़ाती मलकियत समझ के हर तरह से उसकी ज़िंदगी पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, इख्तियार चाहता है,
और जहां उसको लगता है कि वो उसके इख्तियार से बाहर जा रही है, तो ये एक ट्राइबल जो एक हमारा एक जागीरदाराना ट्राइबल माइंड सेट है कि इंतकाम लिया जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए, और फिर क्योंकि उनको कोई खौफ खतरा नहीं है कि यहाँ का कानून या उनकी कोई गिरफ्त होगी उनको, तो मैं समझती हूँ कि ये उस पूरे फेनोमेना में एक औरत जो है वो बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस करती है कि ना आपको समाज, आपका माशरा और ना आपकी रियासत जो है वो आपको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। बिल्कुल, औरत अपने आप को बेबस महसूस करती है। इसी बात पर हम राय लेंगे जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल साहब से। नासा साहब, आप क्या समझती हैं कि अगर हम इस केस से हटकर जनरली बात करें, अगर खवातीन के ऊपर तेजाब फेंका जाता है तो उसकी जो बड़ी वजह होती है वो डिसऑनरिंग होती है और इज्जत के मामलात होते हैं। मर्द जो होता है, कोई भी, जस्ट प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट रोल, कोई भी खुशी में आकर तेजाब नहीं फेंकता, कोई ना कोई ऐसी हरकत हुई होती है। अगर आपके सामने अदालत में ये एस्टैब्लिश हो जाए कि जो मर्द था उसने अपना टेम्परामेंट लूज किया, मर्द जो था उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, जो हालात थे, जो डोमेस्टिक वायलेंस थी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई और फिर उसने ये इकदाम किया, तो क्या उसकी सजा में किसी तरह की कोई कमी अदालत कर सकती है? मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी और मैं पहले आपसे माजरतन कहूँगी कि मैंने अर्ज़ किया था गामिदी साहब की बात से, मैंने इख्तलाफ नहीं किया था, मैंने इतफ़ाक़ किया था। मैंने कहा हमारी मुकन्ना ये कानून नहीं पास करेगी, इसके ऊपर अगर किसास का कानून लगता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आपने ये भी जो दूसरी बात पूछी, ज़रा दोहराइए। मैंने ये पूछा जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल साहिबा कि अगर कानून के तहत अदालत में अगर आप जज हों और आपके सामने ये साबित हो जाए कि जो शौहर था, जो मर्द था, उसकी ज़हनी हालत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी उस सिचुएशन को, कि अगर उसने अपनी औरत को डिसऑनरिंग करते देखा है, अपनी औरत को किसी दूसरे के साथ जाते देखा है, गैरत के नाम पर उसने ये इकदाम उठाया है, ये एक नेचुरल ह्यूमन जज्बा है, तो क्या अदालत उसमें उसकी सज़ा में किसी तरह की कोई कमी करती है? देखिए, यही मैंने बात आपसे शुरू में की कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जजेस के लिए होनी ज़रूरी है। ये औरत क्यों नहीं अपना टेंपर लूज करती, ये हमेशा मर्द ही होता है, ये किलिंग फॉर ऑनर या डिसफिगरिंग फॉर ऑनर। मैं इसमें समझती हूँ कि जज्बात के पेश नज़र किसी को इस किस्म की वो नहीं मिलनी चाहिए रिलैक्सेशन कि जी वो कानून जो है वो पूरी तौर पे उस पर इतलाक ना हो। और जनरली मैं समझती हूँ ये जो हमारा एसिड वाला है प्रिवेंशन लॉ, ये बहुत कमज़ोर तरीन लॉ है, जिस तरह के दूसरे ममालिक में है उससे हमारा कानून उतना सख्त नहीं, क्योंकि हमारी मुकन्ना जो है वही है कि जो लोग हैं वो उनको वो अच्छा। नासा साहब, पिछले दिनों फैसलाबाद में एक वाक्य आया था जिसमें एक औरत अपने शौहर का जो गोश्त है उसकी लाश का गोश्त पका कर खा गई थी। वो तो मरा हुआ था, उसकी लाश को उसने पका के खा दिया, भूख से बढ़ गई। यहाँ देखे किसी के पास ना रोजी है, ना रोटी है, ना बिजली है, ना पानी है, वो मरे हुए बंदे ने क्या उसको देना था? मैं ये नहीं कहती कि अच्छा हुआ उसने किया, लेकिन बताइए ये तो हमारी शरिया में भी इजाजत है, जब कोई फाके की नौबत पे आए और वो ऐसी बात करे तो उस पर कोई उस पर गुनाह नहीं है। ठीक है नासा साहब, फरजाना बारी साहब आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं वही बात करना चाह रही थी। देखिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, मतलब एक एक्सेप्शनल केस, अगर आप एक औरत ने तेजाब फेंक दिया या एक औरत ने किसी मर्द को कत्ल कर दिया, ये एक्सेप्शंस हैं, ये रूल नहीं है। आए दिन जो होता है कि करने वाला, हम देखते हैं कि जुल्म करने वाला जो है वो मर्द है और जो जुल्म सहने वाली है वो औरत है। तो एक तो ये कि उसको कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं ना कि अगर मेरी उसकी औरत ने ये कर दिया, भाई वो औरत उसकी मलकियत तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत ने ऐसा काम किया भी है, अगर वो आपकी बीवी है और आपको नापसंदीदा है वो काम, तो आप उसको छोड़ सकते हैं ना, आप उसको तलाक दे दें। लेकिन आपका ये राइट तो नहीं है कि आप उसकी जान ले लें या आप उसको तेजाब फेंक के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। और फिर ये बताएं, वो जिस तरह जस्टिस नासरा जावेद साहिबा ने कहा कि कितने मर्द हैं जो ये सारे काम करते हैं, मतलब आप देखें हमारे यहाँ तो हर शहर के अंदर रेड लाइट एरियाज हैं जहाँ पे दिन दिहाड़े मर्द जाते हैं, गो के सप्लाई साइड पे तो चंद औरतें बैठी होती हैं ना, और डिमांड साइड पे हज़ारों की तादाद में मर्द होते हैं। तो वहाँ पे घरों के अंदर क्या औरतें जो हैं वो जाएँ और उनके ऊपर उनको तेजाब फेंक दिया जाए? मतलब ये चीज़ें इनको समझना हमें पड़ेगा कि ये अल्टीमेटली मसला क्या है। पेश आया तो उसके बाद वजीर खारजा हिना रब्बानी खर के कजन हैं बिलाल मुस्तफा खर, वजीर खारजा खामोश रहीं, गुलाम मुस्तफा खर वो भी खामोश रहे, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वो भी खामोश रहे, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वो भी खामोश रहे। क्या रियासत की खामोशी इस बात की जानिब इशारा है, जैसा कि फरजाना बारी साहिबा ने भी कहा कि हुकूमत जो है वो इस मामले में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है कानून की?
जमीन को फट जाना चाहिए था और आसमान को बर्फ पड़ना चाहिए था कहर वजब के साथ, जहाँ इस तरह का वाकया हो और उसके हुक्मरान खामोश रहे, सारे काम छोड़ देने चाहिए थे कि इस औरत को इंसाफ दिलवाया जाए, हमारी पुलिस को, हमारे निजाम अदालत को, हमारे हुक्मरानों को, हर एक को बेताब होकर उठ खड़े होना चाहिए था कि एक खातून के साथ ये जुल्म हुआ है। और देखिए, मैं आपकी खिदमत में बहुत अदब के साथ ये अर्ज करूँ कि इस्लाम में गैरत के नाम पर कत्ल करने या किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई तस्वुर नहीं है। ये कबायली जिंदगी की कोई रवायत है जिसको हमारे यहाँ लोग इस्लाम की तरफ मंसूब कर देते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के जज्बात के इजहार पर एक शख्स को ये कहा था कि मैं तुम सबसे ज्यादा गैरतमंद हूँ, लेकिन इसका कोई तस्वुर नहीं है कि मैं कानून के पास नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने इस तरह के इल्जाम के बारे में भी एक पूरा कानून कुरान में, लेकिन पाकिस्तान का जो उलमा का तबका है, पाकिस्तान का जो इस्लामी तबका है, जो लोग वफाकी शरीयत अदालत में भी बैठे हैं, वो लोग इस तरह के वाकयात की, वो जो गैरत पर कत्ल होते हैं, खवातीन के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते वाशगाफ अल्फाज में? मुझे भी हमेशा अफसोस होता है कि हमारे मजहबी तबका क्यों इस मामले में आगे नहीं बढ़ते और आगे बढ़कर इस्लाम के नुकता नजर को क्यों वाजे नहीं करते। मुझे भी आप ही की तरह इस पर अफसोस होता है और एक आम शहरी की हैसियत से मैं भी इस पर बड़े दर्द और कर्ब को महसूस करता हूँ। काश ऐसा न होता, हम में से हर शख्स को जिसको अल्लाह ने कुछ, यानी गांधी साहब, आप यहाँ CNBC पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के जो नाजरीन हैं उन्हें ये पैगाम देना चाहेंगे कि इस्लाम में गैरत के नाम पर कत्ल की, या इस्लाम में अगर गैरत के नाम पर ही हो, खातून के चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोई गुंजाइश नहीं है? कोई गुंजाइश नहीं है, बदतरीन जुर्म है ये, तस्वुर इस्लाम में नहीं पाया जाता। इस्लामी शरीयत में अदना दर्जे में भी इस पे किसी किस्म की किसी रियायत का कोई ख्याल भी अपने दिल में ना लाइए। इस्लाम में पूरा कानून बनाया गया है कि अगर किसी शौहर को या किसी बीवी को कोई इस तरह का शुबा हो गया तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए लियान का कानून है, तेजाब फेंकने का कानून नहीं है, कत्ल कर देने का कानून नहीं है। ये कोई उजर ही नहीं है इस मामले में। आप जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि ये कितना बड़ा जुर्म है जिसका इर्तकाब किया गया है। मैं तो इस खबर को सुनने का हौसला अपने अंदर नहीं रखता। सच्ची बात यह है कि आंखों से आंसू बह निकलते हैं कि इस खातून पर क्या गुजरी होगी, इसका हमें एहसास करना है। ठीक है गांधी साहब, यहाँ पर बात करेंगे नासा साहिबा से। नासा साहिबा, आप क्या समझती हैं, बिलाल मुस्तफ़ा कर ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि फाखरा ने खुदकुशी इसलिए की कि जिन लोगों ने उससे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आप माहिर कानून रह चुकी हैं, आपका कानून के मैदान में वसी तजुर्बा है, आप क्या समझती हैं जो वाकियाती शहादतें हैं, जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है, वो क्या बिलाल मुस्तफ़ा कर के इस बयान को सपोर्ट करता है? देखिए, सबसे बड़ा वादा तो एक शौहर अपनी बीवी को करता है शादी के वक्त कि वो उसका तहफ़ करेगा, उसकी वफादारी करेगा, उसके साथ ज़िंदगी खुश असलूबी से गुजारेगा। तो मैं समझती हूँ सबसे पहली तो यही वजह है ना कि वो वादा उसने वफा ना किया और जो कुछ बाद में हुआ वो चाहे अदालत से वो बाइज्जत बरी हो गए। मैं समझती हूँ इन चीज़ों में हमें बार बार जाने से फ़ायदा कोई नहीं। जो कुछ ये सबक है, उसने कहा था फाखरा ने, अपना जो बयान दिया था, चार दिन पहले ख़त लिखा, उसने कहा मैं खुदकुशी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कोई बिल्कुल इंसाफ नहीं मुहैया हुआ। उसने शर्मीन चुनौय को भी ये ख़त भेजा कि मैं इंसाफ चाहती हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। ये इंसाफ न मिलने की जो बात है, उसने कहा सारी पाकिस्तानी औरतों के लिए ये शायद को रास्ता खोले। अब ये पाकिस्तानी बाकी औरतों के लिए, आपके मीडियम के ज़रिए मैं कहूँगी कि औरतें और आदमी बराबर के हैं और इस्लाम भी इसको बराबर तसव्वुर करता है और कहता है। तो हमें ये चाहिए कि औरतों को एक इंसान का रुतबा दे जो इस्लाम ने उनको दिया है, और हम ये ना समझें कि ये हमारी मलकियत हैं जैसे इन्होंने अभी कहा फरजाना बारी ने। और उनके लिए कानून वैसे ही होना चाहिए जैसे कि बाकी मर्दों के लिए है, और कोई रियायत इस वजह से नहीं मिल सकती आदमी को कि उसने कोई चीज़ जज्बात में आके की। जज्बात में औरतें, बिल्कुल नासा साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि औरत और मर्द बराबर हैं। एक फ्रांसीसी फ़लसफ़ी सार्तर का भी यही कहना है कि औरत जो है वो मर्द से कमज़ोर नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ है। फरजाना बारी साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मेरा अगला सवाल आप पर तनकीद हरगिज़ नहीं है, मैं सिर्फ आपका कमेंट चाहूँगा कि जब कल कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फाखरा यूनुस की लाश आई तो अब्दुल सत्तार ईदी फरते जज्बात से रो पड़े। उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर तनकीद की, उन्होंने सियासी जमातों पर तनकीद की कि ये लोग जो अब इसके इतने सगे बनकर आ गए हैं, पिछले 12 साल से किधर थे?
देखिए, फाखरा के केस में तो ये है कि ज़ाहिर है कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत गोके बदकिस्मती है कि वो ना तो ज़ाहिर है कि उनका चेहरा उस तरह से हो सका 39 सर्जरीज के बावजूद, और फिर फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने जान भी दी। लेकिन मतलब मैं समझती हूँ कि ऐसी बेतहाशा पाकिस्तान में ख़वातीन हैं जिनको अपना जब तेज़ाब उन पर फेंका जाता है तो उनको एक वक्त का भी इलाज मैसर नहीं होता है। इतना महंगा इलाज है इसका और बहुत सारी ख़वातीन वो नहीं कर पाती हैं। तो ज़ाहिर है इसके इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि तहमीना जो दुरानी थी वो भी इनके साथ गईं, फिर इटालियन गवर्नमेंट ने भी इनका साथ दिया, फिर इनका इलाज भी वहाँ पे हो रहा था। तो ज़ाहिर है कि एनजीओ सेक्टर या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे वो एक तरह से फाखरा के केस को तो किसी हद तक जैसे कि वो उस पर चल रहा था, गो के मैं समझती हूँ कि इंसाफ के हवाले से जो मामला है इस केस को टेस्ट केस इसलिए बनाना चाहिए था कि इसमें जो जुल्म करने वाला था या जो नामजद बंदा था वो एक जागीरदार और एक बाअसर सियासतदान तबके, मतलब सियासतदान घराने से उसका ताल्लुक था। तो इस केस के अंदर इंसाफ मिलने से औरतों के अंदर जो एहसास तहफ्फुज जो है वो बड़ा गहरा हो सकता था कि जी केस बनाना चाहिए। आपने लेकिन बड़ी कहने का मकसद ये कि मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं ये दुरुस्त बात है कि 12 साल में पर्टिकुलरली फाखरा के केस पे कोई एनजीओ या उन्होंने कोई मसलसल वो नहीं किया, लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी कि फाखरा को बाद में जो एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो चाहे इटालियन गवर्नमेंट ने दी और उसमें ज़ारे के तहमीना ने इनका साथ दिया तो वो एक तरह से उनका बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जिन खवातीन तेजाब फेंका जाता है, जिनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है, जिनके चेहरे को जलाया जाता है, उनकी जो रिहैबिलिटेशन होती है उसमें फिजिकल रिहैबिलिटेशन के अलावा जो ज़हनी रिहैबिलिटेशन है उसको कैसे किया जा सकता है, लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे फाखरा यूनस के केस की। फाखरा यूनस का केस तो एक टेस्ट केस है। ब्रेक से पहले जैसा कि हमने कहा कि एक खातून जिसके चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है, जिसके चेहरे पर तेजाब की आग बरसाई जाती है, उसकी मेंटल रिहैबिलिटेशन फिजिकल रिहैबिलिटेशन के अलावा भी एक अहमियत रखती है। यहाँ पर मैं गांधी साहब से ये पूछूंगा कि जिन खवातीन के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है आपकी क्या राय है, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए रियासत को, क्या पाकिस्तानी रियासत किसी भी तरह का वो सलूक कर रही है, और उनकी फिजिकल रिहैबिलिटेशन के अलावा जो मेंटल रिहैबिलिटेशन है उसमें मुआशरा क्या किरदार अदा कर सकता है? मुआशरे को तो अपना किरदार अदा करना है। सबसे बढ़कर हम क्योंकि एक मुनज्जम मुआशरा है और हमारी एक रियासत कायम है जो टैक्स देती है लोगों से, उसको ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ऐसे इदारे वजूद में आने चाहिए इस तरह की खवातीन उसकी तहवील में दे दी जाए, उनका इलाज मुआवजा कराया जाए। नफ्सियाती इलाज मुआवजे की जरूरत होती है और जिस्मानी इलाज मुआवजे की जरूरत होती है, और फिर जो कुछ भी उस पर अखराजात आए वो रियासत बर्दाश्त करे, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं है। और अगर किसी हुकूमत की अमलदारी में हुआ है तो पूरी की पूरी हुकूमत को मुस्तरब होकर उठ खड़े होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, बल्कि जो हादसा हो गया है उसमें इस खातून के लिए भी हम इंसानी वसाइल के हद तक जो कुछ कर सकते हैं उसको करने के लिए। अच्छा गांधी साहब, अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि 57 इस्लामी ममालिक में से वो कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां ये कसास का कानून लागू होता है, जहां अगर किसी औरत के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है तो बदले में उस मुजरिम के चेहरे पर भी तेजाब फेंका जाता हो? इसी जगह मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना कि जिस तरीके से हमारी फिक्र मुरतब हो चुकी है, उस जमूत को पहले तोड़ने की जरूरत थी। इसकी पता की थी अल्लामा इकबाल ने और वो हमारे ही थे, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में जो इतिहास पर खुतबा दिया है उसमें ये वाजे किया था कि अब जब ये नई रियासतें वजूद में आ रही हैं और एक नई दुनिया वजूद में आ रही है तो मजहबी फिक्र की रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हमने उस किताब के ऊपर पर्दा डाल के उसको रख दिया
अल्लामा इकबाल को हमारे लिए बहुत महत्व। ठीक है गांधी साहब, यहाँ पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा तौकीर फातिमा भुट्टो, जो कि सूबा सिंध की विमेन डेवलपमेंट की वजीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर फातिमा साहिबा हमसे बात करने का। क्या कहेंगी आप, पिछले 10 सालों में 1658 खवातीन के चेहरे पर तेजाब फेंका गया और ये वाकयात वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, सजा एक को भी नहीं हुई? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सजा तो बहुत कम ही हुई है और इन वाकयात को इतना माइनर लिया गया है कि ये एक जज्बात से भरपूर कि भाई किसी बात पे गुस्सा आ गया है और वो उसने अलीहदगी भी ले ली है उसके बावजूद, लेकिन किसी एक सिस्टम फ्यूडल सिस्टम से या कुछ इलाके या वडेरों से मंसूब कर देना, इस बात को मैं मुनाफी करूंगी, क्योंकि कराची में रहते हुए बंद सेंटर में जितने वाकयात हुए हैं वो आम लोग हैं जो कि सिर्फ इश्ताल में आके अपने गुस्से का असर देते हैं और उस औरत को उस जिंदगी में फेंक देते हैं जो सारी उम्र एक मेंटली और मैं समझती हूँ जिस्मानी तौर पे अजियत में गुजारती है। और उस अच्छा तौकीर फातिमा साहिबा, अगर आपका ताल्लुक किसी एनजीओ से होता तो मैं आपकी मजम्मत की दाद देता, आप खुद एक सूबाई वजीर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत ने आपकी वजारत ने ऐसी खवातीन के लिए अब तक क्या किया है? हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ, 5 डिवीजन हैं हमारे सिंध में और 5ों डिवीजन में हमने फेडरल से जब रिलेटेड थे तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेते हुए 5 सेंटर बनाए जिसमें सोशल मोबिलाइजर भी हैं, साइकोट्रिस्ट भी हैं जो कि उनकी माशरे में रिहैबिलिटेशन के लिए उनको जहनी तौर पर आदे। तो फातिमा साहब, ये जो 5 सेंटर्स आपने बनाए किधर किधर बनाए हैं? हमारे हैदराबाद डिवीजन में है, नारकाना डिवीजन में है, सक्कर डिवीजन में है और इसके साथ साथ कराची डिवीजन में है और वो अपने पूरे सही तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे बंद सेंटर से भी ताल्लुकात हैं, हेल्थ सेंटर को हमने अपनी तजावीज भेजी हैं कि ऐसे मजीद सेंटर खोले जाएं और काउंसलिंग के लिए हमने अपने ग्रुप। लेकिन तौकीर साहब, आपको नहीं लगता कि आपने जो बंद सेंटर बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है सूबा सिंध में आपने 5 मकामात पर ये बंद सेंटर बनाए हैं, लेकिन इन सेंटर्स को उस तरह मुश्तहिर नहीं किया गया, इन सेंटर्स के फवायद को उस तरह आवाम तक पहुंचाया नहीं गया कि जिन खवातीन के साथ इस तरह की नाइंसाफी होती है, मुश्किल से 2 या 3% खवातीन है जो इन सेंटर्स तक रसाई पाने में कामयाब होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मारिया शाह का केस हुआ था तो सबसे पहले हमने ये स्टेप लिया था हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर और इस हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे साथ बिल्कुल तावुन किया और हमने सोशल वेलफेयर को भी अपने साथ अपने ऑन बोर्ड लेते हुए, जाहिर है वुमेन डेवलपमेंट का काम ही यही है कि दूसरे डिपार्टमेंट को अपने साथ, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कभी लेजिस्लेशन का सेंटर नहीं था, कभी इस तरीके से रिहेबिलिटेशन का नहीं था, हमने इनिशिएटिव लिए हैं और लाजमी। ठीक है, यहाँ पर हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे नासरा जावेद इकबाल साहब को। नासरा साहब, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान के अंदर वो माइंड सेट के ऐसे वाकयात के जो मुजरिम होते हैं उनके साथ मुआशरा नफरत करे, उनके साथ महल्ला नफरत करे, उसका समाजी बॉयकॉट किया जाए, ऐसा नहीं होता बल्कि लोग ये कहकर बड़े फखर से महसूस करते हैं कि हमने गैरत के नाम पर ऐसा किया, इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? देखिए, ये तो जैसे मैंने बिल्कुल इब्तिदा में कहा, जब तक हम रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, औरत को उसका सही मुकाम नहीं देंगे, तब तक इस तरह के तमाम जराइम जो हैं ये जारी और सारी रहेंगे। और आप ये देखिए कि जैसे अभी इन्होंने बताया तौकीर फातिमा भुट्टो ने कि वहाँ ये 5 सेंटर हैं, हमारे यहाँ पंजाब में भी क्राइसिस सेंटर जो अब डेवोल्यूशन से पंजाब गवर्नमेंट ने ओन कर लिए हैं, उसमें ये एसिड बर्न्स वालों के लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए और बांग्लादेश जो मुसलमान ममालिक में शामिल है उनके कानून में उन्होंने एक एसिड विक्टिम्स रिहैबिलिटेशन सेंटर का हिस्सा रखा हुआ है, दूसरा उन्होंने एसिड क्राइम कंट्रोल का एक काउंसिल बनाई हुई है, लीगल एड सेंटर बनाया हुआ है, ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी की हुई है। हम कम से कम अपने बहन भाइयों जो हमारे मुल्क का हिस्सा था उन्हीं से कुछ सीखें। हमारा सबसे पसमानदा सूबा था लेकिन उनमें ये गैरत के नाम पे कत्ल का कोई उनसर अब मौजूद नहीं। ये हमारे जो है ना जागीरदाराना रवैया, जैसे फरजाना ने कहा, उसकी वजह से है। ठीक है, यहाँ पर मैं फरजाना बारी को दोबारा गुफ्तगू में शामिल करूंगा। फरजाना बारी साहिबा, महसूस ये होता है क़यादत में तो तब्दीली आएगी। फरजाना बारी साहिबा, महसूस ये होता है कि हुकूमत जलने के बाद का आधा काम कर रही है, यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो बनाए जा रहे हैं, वहां पर खवातीन को कुछ ना कुछ खवातीन को एडमिट भी कर लिया जाता है, लेकिन जो लोग इन खवातीन को जलाते हैं, एक भी मुलजिम को पिछले 12 साल में रियासत ने सजा नहीं दी, क्या कहेंगी आप?
देखें, ये सारा काम ही रियासत का और हुकूमत का है। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तादाद में आपने कुछ फिगर्स कोट किए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं अवेस कि ये फिगर जो है, मतलब वो कहते हैं ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। जितना ये रुझान हमारे यहाँ बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर तेजाब फेंकने का रुझान जो है, उसमें बड़ा तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। उस हवाले से मैं समझती हूँ हुकूमत हर तरह से नाकाम है। पूरे पाकिस्तान में ये जो क्लेम करनी है, मैं समझती हूँ कि सवाए दो बर्न यूनिट सेंटर्स हैं जो फुली इक्विप्ड हैं पूरे पाकिस्तान में, और क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन ही या उनको जलाया जाता है या उनके ऊपर तेजाब फेंका जाता है। बाकी ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, अगर आप इन सेंटर्स को विजिट करें, बिल्कुल वेल इक्विप्ड नहीं है, ना ही जहाँ पर वो काउंसलिंग सर्विसज़ की बात होती है ना वहाँ पर लोग ट्रेन हैं। ना सिर्फ कि हुकूमत सर्विसज़ देने में नाकाम है, बल्कि मसला ये है कि उसकी रोकथाम के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जिस पे जुल्म हो रहा है उसको आप एम्पावर्ड करें, कि जो औरत है उसको आप बाख्तियार करें, उसको आप मजबूत करें, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है औरतों की तालीम के हवाले से, उनको रोज़गार मुहैया करने के हवाले से, वो काम नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जो जुल्म करने वाला है उसको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उसको कम से कम वक्त में कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं कसास एंड दियत के कानून के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्यों कहते कि हमारे माशरे में जितना ये मिसयूज हुआ है, ऑनर किलिंग में आप देखें बाप जो होता है वो कत्ल कर देता है या बेटा कत्ल कर देता है, बाप जो होता है वो उसको माफ़ कर देता है। लेन देन में ये तो ये कि अमीर आदमी जो है वो पैसा दे के दियत दे के छुट जाएगा। अभी आपने के सामने, मैं नहीं समझती कि हमारा माशरा, एक सेकंड मुझे बात खत्म करने दे, कि इन चीजों के लिए तैयार है। कहने का मकसद यह है कि सख्त से कड़ी सजा होनी चाहिए। 14 साल मैं जाती तौर पे फांसी के खिलाफ हूं एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लेकिन 14 साल की सजा नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि तेजाब के केस में मेरा ख्याल है कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी, और उम्र कैद का मतलब ये नहीं होता कि आप कहेंगी 14 साल का मतलब ये कि 7 साल में आप दिन रात शामिल करें और फिर बाकी छुट्टियां मिला के 5-6 साल में आप बंदे को फारिग कर दें, नहीं। फिर उम्र कैद का मतलब ये है कि टिल डेथ, जब तक वो बंदा फिर कैद में है, जब तक उसकी जिंदगी, क्योंकि वो ठीक है। फरजाना बारी साहब, यहाँ पर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम भी सब फाइनल कमेंट्स में आपसे ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह फाखरा यूनस का मामला सामने आया, आप क्या समझते हैं? आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान को यकीनन आप पर फख्र है। कब तक पाकिस्तान की बेटियां इस अजाब में, इस तेजाब के अजाब में झुलसती रहेंगी? उस वक्त तक जब तक कि हम अपने ज़हनी रवैयों को तब्दील नहीं करते। ये रवैये कैसे तब्दील किए जा सकते हैं गांधी साहब? इसके लिए सबसे अहम चीज आपके तालीमी निज़ाम में है। देखिए, आप तालीम पर खर्च कितना करते हैं? कभी आपने ये देखा कि आपने अपनी ख्वातीन को कितनी तालीम दी है, हुकूक का कितना शोर दिया है, आपने उनके लिए माश के कितने दरवाजे खोले हैं, काम करने के लिए क्या अच्छा माहौल पैदा किया है, इस पर आप कुछ खर्च करने के लिए तैयार नहीं। 1-1.5% मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसके साथ कौन सी कौम है जो 16-18 करोड़ की आबादी रखती हो और आप उसे किसी सही जगह पर खड़ा कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने यहाँ ऐसे इदारे बनाएं, इस तरीके का तालीमी निज़ाम बनाएं और लोगों के शऊर को बेहतर करने के लिए हर वो एक काम करें जो दुनिया में किया गया। बहुत शुक्रिया गांधी साहब। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल साहिबा, आखिरी सवाल मैं आपसे ही करूंगा, क्या हुकूमत को कमेटियां बनाने के अलावा इस केस को, बिलाल मुस्तफा खर के केस को दोबारा खोलना चाहिए? देखिए, अगर कोई ऐसी नई बात हो, क्योंकि ये तो हमारे कानून का हिस्सा है कि जिसको एक बार बरी हो गया अदालत से, उसका दोबारा केस उन्हीं फैक्ट्स पे नहीं खोला जा सकता। तो या तो कोई नए फैक्ट्स और एविडेंस सामने लाई जाए तो फिर उस बिना पे खोला जाए। लेकिन मैं गांधी साहब से यहाँ बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी और अपना फरजाना बारी से भी, औरतों को ठीक है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तौकीर फातिमा साहिबा, क्या इस केस में, बिलाल खर के केस में, रियासत को मुकदमा दोबारा खोलना चाहिए? हूँ कि सिर्फ बिलाल खर का नहीं, बल्कि इतने जितने भी ऐसे केसेस हैं, आपने 115 से अबव बताए हैं जो 2002 से लेके टिल 2012 तक हैं, वो सारे केसेस खुलना चाहिए और उन सब केसेस में उन खातीन को इंसाफ मिलना बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद गांधी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद गांधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल साहिबा, और बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, आप चारों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, फाखरा के जिस्म के साथ साथ ममलिकत पाकिस्तान
पाकिस्तान में इंसाफ पर अवाम के एतमाद का लाशा भी मनो मट्टी तले दफन हो गया है। सूबाई वजीर दाखिला सिंध ने हस्ब रिवायत एक और तहकीकती कमेटी भी बना दी है। चीफ जस्टिस से अजखुद नोटिस की अपील भी हो गई है। लोगों ने ड्राइंग रूम्स में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए तौबा तौबा भी कर ली है। सियासी जमातों और इंसानी हकूक की NGOs ने पके पकाए मजम्मती बयान भी दे दिए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिंदगी की दौड़ में फाखरा का मामला, एयर ब्लू के हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को कभी ना मिलने वाले मुआवजे के मामले की तरह दम तोड़ जाएगा। लेकिन क्या यह सब कभी बदलेगा? क्या इस सवाल का है कोई जवाब?